हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का। हमारा टॉपिक है कैपिटल गुड्स, यानी कि पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे इस वाले वीडियो में। तो समझते हैं सबसे पहले पूंजीगत वस्तुओं का अर्थ क्या होता है। पूंजीगत वस्तुओं में मशीनों को शामिल किया जाता है, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं से अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से होता है जिसके अंतर्गत मशीनें आती है। मशीनों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, हमें सबको पता है मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है दूसरा सामान बनाने के लिए। तो इन वस्तुओं की सहायता से सामान का उत्पादन किया जाता है, यानी कि अगर हम मशीन कोई खरीदते तो उससे दूसरे सामान का प्रोडक्शन करेंगे, तो इन वस्तुओं की सहायता से ही दूसरे सामान का या दूसरी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसका उदाहरण हो सकता है जैसे बिस्कुट बनाने के लिए मशीन का प्रयोग करना। अगर कोई एक फैक्ट्री का मालिक है और वो लेकर आता है एक मशीनरी, ठीक है, तो उस मशीन की सहायता से वो बिस्किट्स का प्रोडक्शन करेगा। तो बिस्किट प्रोडक्ट करने के लिए जो वो मशीन खरीद के लाए वो पूंजीगत वस्तुओं का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं कि पूंजीगत वस्तुओं की क्या क्या विशेषताएं होती है। ये वस्तुएं उत्पादकों द्वारा प्रयोग की जाती हैं, यानी कि जो पूंजीगत वस्तुएं होती है उनका इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो दूसरे सामान को बनाते हैं, यानी कि दूसरे सामान का निर्माण करते हैं। और जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं उनका इस्तेमाल जो उपभोक्ता होते हैं वो करते हैं। तो ये पूंजीगत वस्तुओं का इस्तेमाल उपभोक्ता नहीं करते, इनका इस्तेमाल उत्पादक करते हैं। इनका प्रयोग मशीन के रूप में अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो पूंजीगत वस्तुएं होती है इनका इस्तेमाल मशीन की तरह किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग कई वर्षों तक किया जाता है, एक बार खरीदने के बाद में फिर इनसे प्रोडक्शन किया जाता है। इनका मूल्य उच्च होता है, यानी कि ये वस्तुएं महंगी होती है जो और भी सामान होते हैं। जैसे कि अगर प्रोडक्शन में मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, छोटे मोटे नट बोल्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, और भी जो छोटा मोटा सामान होता है उसको पूंजीगत वस्तु में शामिल नहीं करते हैं। इसमें खाली उन वस्तुओं को शामिल करते हैं जिनका इस्तेमाल सालों साल किया जाता है, और ये वस्तुएं महंगी होती है। सस्ते सामान को पूंजीगत वस्तुएं नहीं कहा जाता, महंगे सामान को पूंजीगत वस्तु कहेंगे, और महंगा सामान जो ज़्यादा दिन तक चलता है। इन वस्तुओं का लगातार प्रयोग करने से इनके मूल्य में कमी आ जाती है। जैसा कि हम सबको पता है, अगर कोई मशीन खरीदी जाती है तो अगर हम उसका बार बार इस्तेमाल करते हैं तो जिस रेट में हम उसको खरीद के लाए हैं उसमें वो वापस नहीं बिकेगी, यानी कि अगर उसमें कोई टूट फूट हो जाती है, कोई कमी आ जाती है, या लगातार चलने से उसके अंदर मूल्य में कमी होती है, तो उसको मूल्यह्रास भी बोला जाता है। उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में मूल्यह्रास क्या होता है। लेकिन पूंजीगत वस्तुओं को अगर हम लगातार इस्तेमाल करते हैं तो इनके प्राइस में कमी आ जाती है, यानी इनका मूल्य घटने लग जाता है। तो यदि पूंजीगत वस्तुएं और उसकी विशेषताएं, इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।